हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग। रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग में अभी आपके लास्ट टॉपिक जो रह गए हैं, आपका टॉपिक है वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न क्या होता है कि आपने माल खरीद लिया है और ख़रीदा हुआ माल डिफेक्ट होने के कारण या फिर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ना होने के कारण आप उस माल को वापस कर देते हो। जब वो माल वापस हो जाता है तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऑडिटर अगर इंटरनल चेकिंग सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है तब वो क्या करेगा कि परचेज रिटर्न बुक में देखो, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। बायर ने उस माल को ख़रीदा और ख़रीदा हुआ माल वापस सेलर को वापस कर दिया, तो बायर की तरफ से एक डेबिट नोट तैयार होता है और सेलर की तरफ से एक क्रेडिट नोट तैयार होता है। इन दोनों को ऑडिटर आपस में मैच करके देखेगा कि इनके टोटल या जो अमाउंट्स लिखी हुई है वो ठीक है या नहीं। इन पर प्रॉपर स्टैम्प्स लगी होनी चाहिए, इनको वेरीफाई करना चाहिए, और अगर ये एक बार वेरीफाई हो जाते हैं उन पर स्टैम्प लगा देनी चाहिए ताकि दोबारा से ये वेरीफाई ना हो पाए। फिर वो कहता है कि आपने परचेज रिटर्न बुक तैयार करनी है। जो माल फैक्ट्री से बाहर जाता है वो गुड्स आउटवर्ड बुक तैयार करता है। स्टोर डिपार्टमेंट जब एक गुड्स आउटवर्ड बुक तैयार करेगा तो ये तो स्टोर डिपार्टमेंट ने तैयार कर लिया, और गेट पर बैठा वो गुड डिस्पैच नोट तैयार करेगा। इनको आपस में मैच करना चाहिए। जब आप इन क्रेडिट में परचेज करते हो तो क्रेडिटर अकाउंट्स ओपन किया जाता है, इनको आपस में मैचअप करके देखना चाहिए कि ये कितना सही है या नहीं। फिर आता है वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक। वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक यानी कि माल को बेचते हुए, माल को बेचना और उसकी इनवॉइस बिल्स वगैरह रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है इन कंपेरिजन टू द परचेज बुक। इसके लिए आप सेल्स इन्वॉइस बुक तैयार करोगे। सबसे पहले कस्टमर से आपको एक ऑर्डर रिसीव होता है, उसकी एक कॉपी तैयार होके सेल्समैन क्या करता है, जिसने अपने माल को, वो एक बिल तैयार करता है और उसको वो एक तरह से एक एविडेंस हो जाता है, और जेरोक्स कॉपी कार्बन कॉपी अपने पास रख लेता है, ओरिजिनल एक कस्टमर को देता है, उसका आपस में मैचअप करना चाहिए। इन क्रेडिट में जब आप माल को बेचते हो तो डेटर अकाउंट ओपन कर लिया जाता है, और फिर आपको ये देखना है कि जो सेल्स है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस साल की थी और उसका नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया, या फिर वो लास्ट ईयर या फिर वो आने वाले टाइम से रिलेटेड है और उसकी पिछले साल एंट्री कर दी, उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया या नहीं दिया, और जो माल बेचा वो कंसाइनमेंट बेसिस पर था या अप्रूवल बेसिस पर। सपोज करो कंसाइनमेंट या अप्रूवल बेसिस पर था, इसका मतलब तो एक्चुअल में सेल हुई नहीं है। जब सेल हुई नहीं है तो आप उसको सेल्स बुक में कैसे दिखा सकते हो? फिर आपने ये देखना है कि VPP पोस्ट द्वारा अगर आपने कोई माल मंगवाया है कहीं ऐसा तो नहीं है उसको सेल्स बुक में लिख दिया गया है, तो ये सभी बातों को ऑडिटर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट आता है वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। देखो, पहले हमने परचेज रिटर्न बुक तैयार करी थी, फिर है सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक का मतलब क्या है कि बेचा हुआ माल अगर वापस आ रहा है तो ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेक करेगा कि बेचा हुआ माल किस बेसिस पर वापस आ रहा है, वो बेसिस अप्रूव्ड हुए थे या नहीं हुए थे। मतलब आपने जो माल बेचा और बेचा हुआ माल वापस आ गया तो आपने जो गुड्स डिस्पैच नोट तैयार किया था उसको आप परचेज ऑर्डर से चेक करोगे, वेरीफाई करोगे कि क्या रीज़न रहा। उसमें जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी ऑर्डर की, वो सेम आपने डिस्पैच करके भेजी थी या नहीं भेजी थी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न बुक की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि विक्रय वापसी बही में किए गए लेखों की जांच कस्टमर को भेजे गए क्रेडिट नोट के काउंटर फॉल से करनी चाहिए। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि वे ऑथराइज थे भी या नहीं, उन पर सिग्नेचर थे या नहीं। नेक्स्ट कहता है कि माल आपने भेजा जो गुड डिस्पैच और आउटवर्ड बुक तैयार की, इनको आपस में मैचअप करके देखना चाहिए, और क्रेडिटर नोट तैयार करना चाहिए। आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में, वो कह रहे हैं डीपली एनालाइज करना चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच में ही काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। फिर आपने उस बुक के टोटल और बैलेंसेस को मैच करना है। फिर आपने ये देखना है कि किस बेसिस पर जो माल रिटर्न हुआ है वो उस क्वालिटी का या उस रेट पर था या नहीं। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए जाएंगे। ये तो था आपका सेल्स रिटर्न बुक में। अब आता है BR बुक। देखो वो कह रहा है BR बुक में BR बुक तैयार होती है और एक डेटर नोट तैयार होता है, मतलब डेटर का अकाउंट, और इस तरह से बिल्स पेबल में क्रेडिटर नोट तैयार होगा। फिर देखना है कि जिन बिलों का भुगतान उनकी ड्यू डेट पर हो चुका है तो उसको कैश बुक से मैच करेंगे। अगर ड्यू डेट से पहले हो गया तो ये देखेंगे कि बैंक से उसको भुना लिया गया था या नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसको कैश बुक